गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड ना ट्रैक्टर लोन कौभांड में भूज एलसीबीए वधु एक आरोपी की धरपकड़ करी हती। भूजनी जमीन विकास बैंक ना कर्मचारी और अधिकारी द्वारा कीमती जमीनगिरी खोटा दस्तावेजों उभा करी एक व्यक्ति नामे बे वक्त लोन बतावी ट्रेक्टर की कंपनी ने आ पेमेंट आपवाने बदले बोगस व्यक्तिओना नामे चेक बनावी इश्यू करी अंदाजे 3.11 करोड़ जेटली रकम ने गैररीति आचरी होवानी फरियाद आ वर्षना जान्युआरी महीना में नोंधावा पामी हती। आ कौभांड में संडोवायेला 3 शख्सों की अगाउ धरपकड़ करवामां आवी हती। त्यारे आज बैंक क्लार्क तरीके सेवा बजावता नवीन श्यामजी राठौड़नी तेमना भीड़नाका विस्तारना घरे होवानी बातमीना आधारे पोलीस द्वारा तेनी धरपकड़ करवामां आवी हती। आरोपी द्वारा 7 जेटला बैंकना चेक में बोगस सही करी 37.53 लाख रूपियाना नाणानी उचापत करी होवानी कबूलात करी हती। पोलीस द्वारा तेना पर कार्यवाही करवानी तजवीज हाथ धराई छे। त्यारे कोर्ट में रजू करी आरोपी ने रिमांड पर लेवा अंगेनी मांगणी करवामां आवी छे। भूज लोकल क्राइम ब्रांच द्वारा वधु आरोपी की धरपकड़ थाय ते अंगेनी कार्यवाही चालू छे। वधु माहिती आपता पोलीस कर्मचारी आ अंगे चंचल न्यूज साथे वात करी हती। गई तारीख 15/1/2015 ना रोज कृषि ने ग्रामीण विकास बैंक ना कच्छ जिला ना मैनेजर असीनभाई मेहताए भूज बी डिविजन पुलिस स्टेशन में फरियाद लखावेल के तत्कालीन जिला मैनेजर उमंगभाई ठक्कर तथा बच्चाओ ने रापर शाखा ना इंचार्ज ब्रांच मैनेजर तथा सह कर्मचारी साथ मड़ी रेकर्ड्स में गैररीति आचरी अने कुल्ले रुपया 2,62,43,000 की उचापत करेल छे। तेमज 16,97,00,000 की आसपासनी रेकर्ड में चेड़ा करी अने गैररीति आचरेल छे। वगैरह बाबतेनी हकीकत फरियाद लखावेली जेनी तपास पोलीस इंस्पेक्टर श्री जेपी रावल एलसीबी भूजनाव चलावी रहेल छे। आ गुना कामे अगाउ 3 आरोपीनी धरपकड़ थई गयेल छे जेमा उमंग हसમુખભાઈ ઠક્કર તત્કાલીન જિલ્લા મેનેજર તથા બ્રાન્ચ મેનેજર શ્રી ઉમેશભાઈ ઠક્કર ઉમેશભાઈ પટેલ અને જનકરાય પરશુરામ રામાવતની ધરપકડ કરવામાં આવેલી। આ ગુના કામે ચાર્જશીટમાં નાસ્તા પડતા આરોપીઓ દર્શાવવામાં આવેલ જે પૈકી એક આરોપી જે ક્લાર્ક તરીકે આ બેંકમાં નોકરી કરતા હતા નવીન શામજીભાઈ રાઠોડ જેમની ગઈકાલે એમના રહેણક મકાન ઉપરથી સાંજના ભાગે ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે। આ નવીન શામજીભાઈ રાઠોડ અને એમના બીજા સહ આરોપીઓ સાથે મળી કુલ 7 ચેકોમાં સહીઓ કરેલી છે જેની રકમ 37,53,000 રૂપિયાની થાય છે અને આ બોગસ લોન બતાવી અને એને ચેક જે રકમ થતી હતી એ રકમ ઉપાડી લઈ અને ઉચાપત કરેલ છે જે ગુનામાં એની ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે અને આ આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ કરી રિમાન્ડની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। 7 ચેક એવા બોગસ છે જે બોગસ જ નામની વ્યક્તિઓના નામે કાઢવામાં આવેલા છે એની રકમ 37,53,000 જેટલી થાય છે એમાં 7 ચેકોમાં આરોપીની સહી છે જેથી એમની રોલ જણાવ્યા તેની ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે।